हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं अपने गांव के मतलब सामने कुछ मतलब आदिवासी लोग रहते हैं, तो वही हम लोग इधर घूमने आए तो सोचे चलो देखते हैं आदिवासी लोग रहते हैं इधर क्या मतलब रहन सहन क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे अभी। और तालाब वगैरह बहुत वो सब मछली पालन करता है, तो हम लोग सोचे चलो देख के आते हैं, तो वही हम वीडियो आज बना रहे हैं। तो सोचे चलो घूम के आएंगे और उधर का क्या माहौल है, तो हम लोग घूमने चले आए हैं, तो वही दिखाएंगे आज हम इस वीडियो में। और मतलब आदिवासी लोग क्या खाते हैं मतलब दिखाएंगे, उधर पूरा पेड़ पौधा बहुत से लगा के रखे हैं, आम वगैरह पेड़, तो वही वीडियो में आज बताएंगे। ब्लॉग पे बने रहना, मतलब दिखाएंगे पूरा सब चीज़ अभी। तो फाइनली फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं उधर, आप देख सकते हैं इधर पूरा पीछे का नज़ारा, ये सब इधर आदिवासी लोग रहते हैं। ये रास्ता उधर ही जा रहा है, मतलब देखेंगे उस सबका घर, तालाब वगैरह पहले देख लेंगे, उधर मछली पालन होता है, देख सकते हैं ये पीछे पूरा फील्ड जैसा है, पीछे का बैकग्राउंड का नज़ारा आप देख सकते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं रास्ते में, अभी ब्लॉग पे बने रहना, पूरा दिखाएंगे क्या लगाए हैं सब पेड़ पौधा, सब घर पूरा दिखाएंगे अगर कोने कोने, तो ब्लॉग पे बने रहना। आ गए हैं सामने, ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक आ गए। और मेरे साथ एक दोस्त भी है, साथ में आ रहा है, तो देख सकते हैं पीछे मेरे दोस्त भी। फ्रेंड्स, हम लोग अभी एक जामुन के पास आ गए, जामुन का पेड़ है ये, आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ बचपन में जामुन पहले खाने आते थे, ये जामुन का पेड़ है ये, देख सकते हैं ये पूरा मतलब जामुन अभी पूरा, अभी बरसात के दिन में बहुत लोग आते हैं यहाँ पे जामुन खाने, देख सकते हैं। तो ब्लॉग पे बने रहना, अभी और दिखाएंगे तालाब वगैरह सब, तो मछली पालन होता है। तो दोस्त, हम लोग पहुँच गए हैं बांध के सामने, अब देख सकते हैं ये छोटा सा बांध है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आदिवासी सब मछली यहाँ पालन करता है और अपना मतलब ये ज़्यादा बड़ा ही नहीं है, सूख गए बरसात के दिन में ये बांध भर जाता है। सब मतलब इधर पीछे खेत भी है जो फसल वगैरह उगाते हैं, इधर आप देख सकते हैं बांध छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, जो मछली यहाँ पालन होता है। और दिखाएंगे उधर एक तालाब वाला बन रहा है अभी, देख सकते हैं लोग पे बने रहना, अभी हम और दिखाएंगे अभी। सिंचाई भी करते हैं ये सब, तो हम लोग यहाँ देखना है कि चलो देखते हैं उधर बांध उन बन रहा, उधर पीछे जंगल है आप देख सकते हैं, जो अगले ब्लॉग में दिखाए तो वही जंगल है, देख सकते हैं ये भी बांध ही बन रहा है, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आदिवासी लोग भी ये सब काम करते रहते हैं, मतलब इधर बांध वगैरह सब खेती भी करते हैं, देख सकते हैं। अभी घर तरफ उधर दिखाएंगे, तो पेड़ वगैरह लगाए हैं, आम का पेड़ वगैरह सब है, अभी जा रहे हैं उधर हम लोग। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हरियाली भी जगह इधर, मतलब घर के सामने सब हरियाली जगह रखे हैं आमने सामने,
इधर पूरा पेड़ पौधा लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ उड़ है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं रास्ते में, उधर घर तरफ देखेंगे वो, उसके बाद ही उधर जाएंगे हम लोग अपना घर, देख सकते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. तो आप दिखाए फ्रेंड्स, एक कुआं हुआ था, मुझे तो सिंचाई भी कर रहे थे यहाँ से पानी, पानी मशीन भी लगा था, देख सकते हैं इधर जानवर वगैरह रखते हैं, पूरा मतलब आदिवासी ही नहीं बहुत ये सब मतलब सारा सुविधा है सबके पास रहे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉगिंग में यही था जो हम दिखाए, तो ऐसे ऐसे ब्लॉग वीडियो हम लाते रहेंगे, तो मेरे ब्लॉग पे विजिट करते रहना, मैं एक से एक ब्लॉग लाऊंगा। आप देख सकते हैं ये मिट्टी का घर अभी भी बना है, देख सकते हैं इधर आदिवासी लोग रहते हैं। मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।